तो दोस्तों स्वागत है आप सबको एक बार फिर से। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले एजिस लॉजिस्टिक्स के बारे में। दरअसल दोस्तों एजिस लॉजिस्टिक्स का चर्चा इस चैनल पे मैंने बहुत पहले किया था, जब उस समय मैं कोई भी डिस्कशन नहीं कर रहा था। जिस तरीके से दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को 30% के ऊपर प्रॉफिट मिला है, वो चीज़ आप लोगों को शेयर करना चाहिए, इसीलिए मैंने आप लोगों को ये वीडियो के ज़रिए शेयर कर रहे थे। तो आइए जानते हैं उस समय का भाव क्या था, कौन सी प्राइस में मैंने आप लोगों के सामने डिस्कशन किया था और अभी अगले रणनीति एजिस लॉजिस्टिक में क्या बन रहा है। तो दोस्तों सिर्फ एजिस लॉजिस्टिक ही नहीं, इससे पहले हमने लेंसर कंटेनर में पैसा बनाया, हमने सूर्य रोशनी के बारे में आप लोगों को बताया था, आयन एक्सचेंज के बारे में बताया था, हालांकि रिसेंटली मैंने टाटा पावर के बारे में भी आप लोगों को एक अपडेट दिया था। फिर दोस्तों यहाँ पे हमने और शिगाची के बारे में अपडेट देते रहे हैं एंड बहुत सारे स्क्रिप्ट है। तो स्पेशली ये स्क्रिप्ट में ऑपरेटर का एक फुटप्रिंट मुझे पता चला था, वो कौन से पॉइंट में था, हम डॉट टू डॉट इसी चैनल में कौन कौन सी प्राइस जब था शेयर हुआ था और अभी क्या चल रहा है, पूरा डिटेल्स प्रूफ के साथ आप लोगों को शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू किया जाए। तो दोस्तों चैनल में हम आ चुके हैं, हम यहाँ पे देखते हैं एजिस लॉजिस्टिक्स को लेकर हमने कई वीडियो बनाए हैं। तो सबसे पहले जो वीडियो यहाँ पे बनाया था, FII बाइंग दिस 5 शेयर इन 2023, ये क्लिक करके देखते हैं। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा व्यूज आया था, 5.1K व्यूज आया था। एंड अगर हम यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी अच्छा खासा, मतलब 196 पीपल ने देखा था, कितना टारगेट था। तो सिर्फ आगे चलते हैं और देखते हैं क्योंकि इनके लिए भी यहाँ पे जाना पड़ेगा। एंड दोस्तों अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो हम देखते हैं एजिस लॉजिस्टिक उस समय में 279 भाव था और मैंने आप लोगों को बोला था ऑपरेटर का फुटप्रिंट चल रहा है। बैक टू द पॉइंट, यहाँ पे 4 महीने पहले भी मुझे कुछ नजर आ रहा था जो मैंने आप लोगों को शेयर किया था दोस्तों, और इस समय का भी अगर आप देखेंगे बहुत डिटेल्स में सेकंड बाय सेकंड चार्ट मैंने आप लोगों को शेयर किया था और उस समय का भाव क्या था दोस्तों, अगर आप देखेंगे 297 के पास इस समय का भाव था। तो हम होल्ड कर रहे थे यहाँ पे देखिए, एंड उसके बाद ऑपरेटर साहब ने ऊपर लेके गया। तो अभी एजिस लॉजिस्टिक का क्या भाव चल रहा है, तो एजिस लॉजिस्टिक आज चल रहा है 390। तो आपने देखा है एक 2 महीने के अंदर ऑपरेटर क्या कर सकता है। 1 महीने में रिटर्न देखिए 10%, बट 6 महीने में रिटर्न देखिए 40%। यहाँ पे आपको 300 के लगभग, या 276 के आसपास मैंने शेयर किया था, फिर 300 में शेयर किया था, अब 390 चल रहा है। तो कम से कम दोस्तों यहाँ पे 30% से ऊपर आपको तो रिटर्न मिल ही रहा है ना। अब तो सारे यूट्यूबर लोग बोलेगा ही क्योंकि ब्रेकआउट स्क्रिप्ट वो लोग जो ट्रेड कर रहा है, बट पहले कोई कुछ नहीं बोल रहा था, बट फंडामेंटल एनालाइज मैंने उस समय में आपको बोला था क्योंकि मैंने उस समय में कुछ चीज़ नोटिस कर रहा था जो स्पेशली शेयर होल्डिंग पैटर्न में था। मैं एक्चुअली देख रहा था उस क्वार्टर से यहाँ पे FII परचेस कर रहा था एंड इसी क्वार्टर में FII फिर से परचेस कर रहा है, सारे जगह पे यहाँ पे सेलिंग चल रहा है FII द्वारा, बट इसी कंपनी में FII ने बाइंग कर रहा था। DII भी अपने स्टेक का लगभग सेम रखा था एंड प्रोमोटर ने यहाँ पे कुछ यहाँ पे अपने स्टेक को सेल नहीं कर रहा था। एंड अगर हम इनका देखते हैं स्टॉक पी जो है ना रीजनेबल था, अभी हालांकि ये 33 है बट जो 3 और 5 ईयर्स का है उनके रिस्पेक्ट में उस समय में बहुत कम था। अगर हम यहाँ पे आते हैं जो PE शो करता है स्क्रीनर पे, तो अगर हम देखते हैं 6 महीने के लिए PE का ग्रोथ काफ़ी अच्छा था। उस समय में दोस्तों 27 के आसपास PE था, अब 30 आ रहा है, 33 के आसपास आ रहा है, तो अभी महंगा हुआ है। हालांकि दोस्तों अगर हम 5 ईयर्स का भी PE देखते हैं तो ये 34 के आसपास है, तो सस्ता तो आपको मिल ही रहा था ना। तो वो चीज़ मैंने वैल्यूएशन के परस्पेक्टिव में भी आप लोगों को शेयर किया था। एंड दोस्तों मैंने एक्चुअली देख रहा था कंसिस्टेंसी के साथ इसी कंपनी का फंडामेंटल इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा था। हालांकि दोस्तों अगर आप देखेंगे जो पिछले क्वार्टर था, पिछले क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर बेसिस में बहुत ही शानदार जंप देखने को मिला था, बट कुछ ऑपरेटर उस दिन इस शेयर को नीचे लेके गया था क्योंकि उनको लग रहा था ये जो शेयर प्राइस है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में कम हुआ है। हालांकि देखना चाहिए था ईयर ऑन ईयर बेसिस में, और ऑब्वियसली बहुत ही शानदार इंप्रूवमेंट देखने को मिला था तो ऑपरेटर सब नीचे लेके गया था, फिर तो उनको ऊपर लेके आया, 30% के ऊपर प्रॉफिट लिया, जो पेशेंस दिखा है उनको मिला, ठीक है। एंड कंपनी टर्न अराउंड हुआ है, अगर हम देखते हैं कंपनी का बैलेंस शीट शानदार है, रिजर्व भी कंसिस्टेंसी के साथ इंप्रूवमेंट में है। बट एक चीज़ आप देखिए दोस्तों, सेल्स में बहुत ही शानदार ग्रोथ के बाद भी, प्रॉफिट में बहुत ही शानदार ग्रोथ के बाद भी शेयर प्राइस में पहले कुछ समय में अच्छा ग्रोथ देखने को नहीं मिला था, बट अभी शेयर प्राइस बहुत ऊपर आ चुका है, रिटर्न ऑफ इक्विटी अच्छा हो चुका है, बहुत सारे ट्रेडर फ्रेंड जो है उनको अच्छा लगने लगा है, बट पहले कोई भी इसका फंडामेंटल एनालाइज नहीं किया था। तो एक चीज़ आपको नज़र रखना है, फंडामेंटल अच्छे कंपनी नीचे रह सकता है कुछ महीने तक, बट वो कभी ना कभी ऊपर आएगा,
बट दोस्तों एक चीज़ मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये देखिए जी एन एफ सी एक ऐसी कंपनी है जो बहुत ही सस्ता वैल्यूएशन में चलता है एंड बहुत ऊपर जाने का कोशिश करते हैं। अगले कुछ समय के बाद आप यहाँ पे भी नोटिस कर सकते हैं अच्छे खासा बाइंग आ सकता है, अगर आएगा तो बताना, क्योंकि फंडामेंटली बहुत ही सस्ते कंपनी है एंड बहुत बहुत ऊपर जाने का दम रखता है, क्योंकि यहाँ पे भी अच्छा खासा FII का होल्डिंग है। तो दोस्तों अगर आप देखते हैं ये जो एलिस लॉजिस्टिक का चार्ट है, ये एक राउंड बॉटम पूरा कर चुका है, जहाँ पे आना था वहाँ पे वो आ चुका है एंड थोड़ा समय लगाया, बहुत पेशेंस ही चेक किया, बट फाइनली ये अपना जो हाई है, मतलब 2-3 सालों के अंदर जो हाई है वो वहाँ तक पहुँच गया है। ठीक है, तो मैंने तो बहुत ही मतलब ये सारे जोन पे तो पकड़ नहीं पाया था, बट जहाँ पे मुझे लगा ख़रीदना चाहिए इस सारे जगह पे मैंने परचेस करके आप लोगों को शेयर भी किया था। जो दोस्त ने मेरी बात सुनकर परचेस किया था एंड होल्ड किया था एंड अच्छा खासा प्रॉफिट भी लिया, प्लीज़ कमेंट करके बताना आपको 40% से ऊपर रिटर्न मिला है। तो आप जिस हिसाब से बहुत यहाँ पे बहुत ही शानदार ब्रेकआउट कर सकता है, कैसे चार्ट पैटर्न बनाता है, थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड को साथ रख कर ही ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि मुझे जो शेयर जो है ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है उसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आता है, बट जो नीचे आ रहा है जिसमें बहुत लोगों का परेशानी है, उनका परेशानी का कारण क्या है उसको शॉर्ट आउट करके यही मज़ा आता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।